मेरा नाम द्वारका परस्ते है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव है गारकमट्टा, जिला डिंडौरी का। गोंड प्रधान ये आदिवासी जाति है, जनजाति है, जो कि ये दोनों भाई भाई हैं, गोंड और प्रधान। लेकिन उनको बंटवारा हो गया, एक गोंड हो गया, एक प्रधान हो गया है। तो गोंड कमाता है और प्रधान खाता है। खाते दोनों हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा गोंड करता है, पूजा प्रधान करता है। मैं कहूँगा लोगों से कि तो गोंड आर्ट जो अपनी कल्चर और मेहनत करती है, अपने ट्रेडिशनल जो भी अपने रहन सहन प्रकृति के बारे में अपनी पेंटिंग को दिखाता है, माइंड से सोच सोच को बनाता है, कोई कॉपी नहीं करता वो। जैसे कहानी हो, स्टोरी जो सुनता है पूर्वजों से, हमारे नाना नानी दादा जी सुना हुआ, वो कहानी पर आधारित पेंटिंग बनाता है और उसको सामने दिखाता है। ये गोंड कला 200 साल पुराना है, लेकिन फिर ये लुप्त होने की कगार में था धीरे धीरे। पर फिर हमारे सर की जनगण नाना जी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, जेके स्वामीनाथन जी जो भारत भवन के डायरेक्टर थे, उन्होंने फिर से 35 साल पहले फिर से शुरुआत की है। नजीरे से 2 साल पहले मैं जुड़ा हूँ, एकदम प्रेम भाव से, और बराबर मेरा सपोर्ट कर रहा है नजरिया, प्रमोट कर रहा है। बहुत चीज़ बदली है, लोग बहुत सारे नेट में नजरिया ने काम डाला मेरा, कुछ वीडियो डाले, उससे लोग देख रहे हैं, उस वजह से बहुत सारे जान रहे हैं गोंड के बारे में बताया, और कैसा उसके आपको सेल है, लोगों से कैसे पेश करना है, कैसा वो दिखाया है, तो बहुत सारे सपोर्ट किया। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में और ज़्यादा अच्छा हो सकता है इसका। मेरे मामा जी को जो पद्मश्री मिला है, तो उसमें पहले तो जानते थे कि नॉर्मली गोंड आर्ट है, लेकिन अब जब भारत सरकार ने पद्मश्री दिया मनु मामा जी को, तो और जानने लगे सभी, हमें उसके जरिए मामा जरिए हमें भी जानने लगे कि हम भी उसके वो हैं, सीखे हुए उनसे। तो लग रहा है काफ़ी अच्छा आगे हो सकता है।